बॉईल किए हुए मकई के दाने 100 ग्राम 100 ग्राम पनीर 3 टमाटर बारीक कटे हुए बारीक कटा हुआ 2 कांदा धनिया पाउडर 2 चम्मच जीरा पाउडर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच कसूरी मेथी 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच भिगोए हुए काजू का पेस्ट सबसे पहले मिक्सर में हम उबले हुए मकई के दानों का पेस्ट बना लेंगे कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालिए तेल के गरम होते ही उसमें बारीक कटा हुआ कांदा डालिए कांदा को 2 से 3 मिनट भूनने दीजिए कांदा को तब तक भूनिए जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आए अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट को 2 से 3 मिनट सौटे करेंगे अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर डालिए 4 से 5 मिनट इसे पकने देंगे अब हम इस मिक्सचर को 4 से 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे चार से पांच मिनट के बाद हम इसे मिक्सर में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे मसाला पेस्ट तैयार है कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालिए तेल के गरम होते ही जो हमारा पिसा हुआ मसाला पेस्ट है वो डालेंगे इसे 4 से 5 मिनट पका लीजिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए अब इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर 1 चम्मच गरम मसाला 1 चम्मच जीरा पाउडर 2 चम्मच धनिया पाउडर इसे पेस्ट के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पकने दीजिए अब हम इसमें काजू का पेस्ट मिलाएंगे इसमें उबले हुए मकई के दानों का पेस्ट मिला लीजिए अब हम इसे 5 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे आधा कप पानी डालिए 2 से 3 मिनट हम इसे पकने दें पनीर के टुकड़े डालेंगे पनीर को 3 से 4 मिनट पकने देंगे इसमें हम अब कसूरी मेथी मिलाएंगे कसूरी मेथी को अच्छे से मिला लीजिए अब हमारी डिश रेडी है